The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto. Main hu Dr. Paramjeet. Aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, वैक्सीन आ चुकी है कोविड की, कोरोना की, और दो वैक्सीन हैं. आपको हमने कोविशील्ड के बारे में ऑलरेडी बताया, लेकिन ज़्यादा असमंजस, ज़्यादा जो लोगों के मन में तनाव है, ये कोवैक्सीन के लिए है. क्योंकि कोवैक्सीन अव्वल तो इंडिया की, पूर्णतः इंडिया ने बनाई है, मतलब जीरो से लगातार 100% इंडोजिनस वैक्सीन है. और इसमें सिर्फ एक इशू है कि इसका जो एक स्टेज ऑफ ट्रायल है वो हुआ नहीं है कंप्लीट, इसीलिए वहाँ पर बात आ जाती है कि ये 100% सेफ है या नहीं. सो इस केस में आपको वैक्सीन के बारे में हम बताएंगे कि वो क्या है, वो कैसी है, और हमने जैसे आपको कोविशील्ड के बारे में बताया था, उसी के सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे. साइड इफ़ेक्ट्स क्या पता है हमें कोवैक्सीन के बारे में आज तक की इन्फॉर्मेशन. सो कोवैक्सीन जो है ये भारत बायोटेक ने बनाई हुई वैक्सीन है, और ये होल वायरस है. कोविशील्ड में याद होगा हमने बताया था वायरस के सरफेस प्रोटीन का एस ग्लाइकोप्रोटीन नामक एक छोटा सा एस ग्लाइकोप्रोटीन है उसके अंदर जो वो एनकोड करता है वैक्सीन. लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा वायरियन है, होल वायरियन है, जिसको इनएक्टिवेट कर दिया गया. कोरोना वायरस, SARS-CoV-2 वायरस को इनएक्टिवेट कर दिया है. इसका नाम दिया है BB-125. तो BB-125 वैक्सीन जो है ये भारत बायोटेक में बनी है, 100% इंडोजिनस. मतलब इसका जो सोच है, इसकी जो साइंस है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, सब का सब इंडिया के अंदर हो रहा है. और ये होल वैक्सीन है. इसका जो स्ट्रेन बोलते हैं NIV-2020-770, ये नाम है ना, जस्ट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, किसको पता होना चाहिए. स्ट्रेंथ जो है इसकी 1.5 ml के अंदर 6 mcg डोज है, और होल वायरस वैक्सीन है ये, समझने वाली बात. ये भी कोवैक्सीन के जैसे, कोविशील्ड के जैसे 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए ही है. अपर लिमिट वाली कोई लिमिट नहीं है, 18 साल के ऊपर. दो डोज इसके भी लगेंगे, 0.5 ml, 4 हफ्ते के गैप में, 4 हफ्ते 28 दिन के गैप में. इंट्रामस्कुलर ही लगेगा, डेल्टॉइड रीजन पे. और इसका भी हमें ये नहीं पता कितने दिन तक प्रोटेक्शन लेवल देगा, जिस तरह कोविशील्ड. अगर कोविशील्ड वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जाके जरूर देखिए, तब आप समझेगा हम क्यों दोनों को मिला के बता रहे हैं. और सीरो कन्वर्जन, मतलब एक वैक्सीन लेने के बाद अगर कुछ दिनों बाद में आपके शरीर में देखेंगे तो क्या आपके शरीर में एंटीबॉडी बन गए है उस वायरस के खिलाफ, वो अगर देखते हैं तो इस वैक्सीन का वो 86-96% तक है, यानी कोविशील्ड से भी कहीं ज़्यादा. याद रखिए कोविशील्ड का 70% टोटल, और अगर वैसे दोनों डोज लेने के बाद में 90% तक आ रहा था, इसके 96% तक है. तो बहुत अच्छी बात है. इसमें दो तीन स्ट्रेन्स हैं जिनके अलग अलग हैं, मगर टेक्निकली 96% इज़ अ वेरी गुड नंबर. इसको भी 2-8 degrees पे स्टोर करना होता है, और निकालने के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर यूज़ करना होता है. अब इसके अंदर अगेन, अगर किसी वैक्सीन, इस तरीके की वैक्सीन से पहले आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एलर्जी हो चुकी है, तो आप इसको फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे. इस वैक्सीन में आप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सेफ्टी अभी पता नहीं है. वैसे कोविशील्ड में भी यही है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन वाले लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको नहीं लगवाएंगे, क्योंकि उनके अंदर सेफ्टी अभी है कि नहीं है पता नहीं है. और इससे आप, अगर अभी आपको कोई बुखार है, कोई इन्फेक्शन है, या आप स्टीरॉइड की वाली दवा लेते हो, कॉर्टिकोस्टीरॉइड या क्लोरोक्विन, ये दोनों दवा लेते हैं, तो आप इनको, या दोनों में से कोई भी दवा लेते हैं, इन तो नहीं लेंगे, आपकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो आप दवा ये इंजेक्ट, तो ये आप वैक्सीन नहीं लेंगे. दवा अपनी ले देंगे, ये वैक्सीन नहीं लेंगे. अब ये होल वायरस वैक्सीन है, ये आपके अंदर जाके करता क्या है? ये वैक्सीन इनएक्टिवेटेड है, यानी वायरस जाके बार बार अपनी कॉपीज नहीं बनाएगा, लेकिन आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा कि भाई ये कोई आया, राइट, ये कोई वायरस आया, इसको तोड़ ताड़ के वो इसकी मेमोरी रख लेंगे, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेंगे. एक अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज़ बन जाती है, क्योंकि अच्छी एंटीबॉडीज़ जो बन जाती है वो इस तरीके की किसी भी फॉरेन चीज़ जब अंदर जाती है उसके खिलाफ बना लेते हैं. एक तरीके फॉरेन प्रोटीन जब अंदर जाता है उसके खिलाफ अपनी बॉडी एंटीबॉडी रिएक्शन बनाती है, और इस तरीके के होल वायरस का एंटीबॉडी रिएक्शन इसलिए क्या हो जाता है,
क्योंकि पूरा वायरस है तो इसके हर एक अलग अलग चीज़ के बारे में लोग एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं, तो बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। सो दिस हैज़ अ गुड एंटीबॉडी रिएक्शन, और अच्छा रिएक्शन जब भी आपकी बॉडी देता है तो कुछ सिम्टम्स तो उस समय आएंगे, वो एक एक साइन है कि वायरस ये वैक्सीन वर्क कर रहा है, ये वायरस इनएक्टिव है, वायरस आपको हार्म नहीं करेगा, आपकी इम्यून सिस्टम आपके लिए एंटीबॉडी बना रही है, उस एंटीबॉडी बनाने में आपको कमज़ोरी, बॉडी पेन, मसल पेन, नौशिया, वॉमिटिंग, हल्का बुखार रह सकता है, सर्दी खांसी भी हो सकता है, और किसी किसी को चक्कर भी आ सकते हैं। सो ये हल्का जो सिम्टम्स आते हैं आपकी बॉडी के अंदर इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन रहे हैं, वैक्सीन काम कर रहा है, उसका इंडिकेशन है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों ही वैक्सीन से कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट हो उसका कोई ऐसा अभी मैकेनिज़म मौजूद नहीं है जो जानकारी में हो, तो किसी प्रकार के मेजर साइड इफ़ेक्ट आने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं। ऑब्वियसली देखिए, जितनी जानकारी अभी बता रहे हैं, आगे कोई नई जानकारी आती है तो वो बताई जाएगी। फिलहाल ये वैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों अवेलेबल है, दोनों के दोनों 18 साल के नीचे नहीं लगाना है, 18 साल के ऊपर की उम्र में लगाना है, दोनों के दोनों साथ में नहीं लगा सकते हैं, दोनों वैक्सीन को 28 दिन के गैप में दो डोजेस में लगाना है, या तो ये दवाई दिए ये एक वैक्सीन लगाइए दो डोजेस उसके, और या तो दूसरी लगाइए, अगर दोनों लगाना चाहते हैं तो दो डोजेज इसके लगाने के बाद 14 दिन कम से कम वेट करके फिर दो डोजेज उसके लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकती कि एक इसकी लगाओ फिर 28 दिन बाद एक इसकी लगाओ, इंटरचेंजेबिलिटी नॉट अलाउड। और किसी भी वैक्सीन के बाद आपको कायदे से 30 मिनट ऑब्जर्वेशन पे रहना चाहिए अस्पताल में डॉक्टर के पास ही, कि आपको कहीं हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा। सो ये दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन भारत बायोटेक के बारे में बना। अभी फिलहाल इस वैक्सीन को मान लीजिए अप्रूवल मिला है इंडिया के अंदर यूज का, अब इसका भी सिलेक्टिव एरियाज में सिलेक्टिव लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसका जो इसका वो लिया जाएगा कि कितना परसेंट लोगों को आराम से कोई मेजर इश्यू साइड इफेक्ट नहीं आ रहा, और उसके बेसिस पे फिर आगे जनरल पब्लिक को भी यही वैक्सीन दोनों वैक्सीन जो है अवेलेबल मुहैया कराई जाएगी। सो इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है, स्ट्रेस मत लीजिए, वैक्सीन्स दोनों अवेलेबल है, आपको जो मिलती है उसको लीजिए, और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए, पर टेंशन मत लीजिए, उल्टी सीधी बातें मत करिए, स्ट्रेस मत लीजिए। दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।